चलो अच्छा सुनो, स्टार्ट बच्चे मेरी बात सुनो। चलो अब हमने देखो, मेरी बात सुनो बच्चे एक बारी, हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। हमने जब रोटेशनल मोशन के बारे में पढ़ना शुरू किया था, रोटेशनल मोशन के बारे में जब हमने देखा, तो सबसे पहले क्या आया था, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह हमने क्या कर दिया था बच्चे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये किया था। जहां लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है वहां पे हमने किया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी थी वहां हमने क्या करी, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सीलरेशन था वहां क्या किया, एंगुलर एक्सीलरेशन, है ना। इसका मतलब एक तरह से हम दो यूनिवर्स को कंपेयर कर रहे हैं। इसको मल्टी यूनिवर्स वाला अगर जो फंडा बना ले, मल्टी यूनिवर्स का कंसेप्ट पता है किसी को, एक बहुत वाहियात सी मूवी आई थी एमसीयू की, मार्वल्स की आई थी अभी, जिसमें मल्टी यूनिवर्स खुला था, डॉक्टर स्ट्रेंज वाले मल्टी यूनिवर्स ऑफ मैडनेस। तो उसमें क्या था, हर एक यूनिवर्स में हमारा एक वर्जन था, मिलता जुलता लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट, ऐसे ही कुछ। तो सेम यहां कहानी है, दो यूनिवर्स है, एक जो लीनियर मोशन का और एक रोटेशनल मोशन का, है ना, एक लीनियर मोशन का और एक रोटेशनल मोशन का। यानी कि जो भी यहां पे चीज है, अगर यहां लीनियर डिस्प्लेसमेंट है तो वहां एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी, यहां लीनियर वेलोसिटी है तो एंगुलर वेलोसिटी होगी, लीनियर एक्सेलरेशन है तो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, लीनियर मोमेंटम है तो एंगुलर मोमेंटम होगा, लीनियर फोर्स है तो एंगुलर फोर्स दैट इज टॉर्क होगा। सीधी सी बात है ये, है ना। तो हर जगह पे हर एक चीज के लिए कोई एनालॉगी है हमारे पास, एक उसका रिप्रेजेंटेटिव, हर लीनियर चीज का रिप्रेजेंटेटिव रोटेशनल के अंदर भी है। अगर मैं फोर्स वेलोसिटी की बात करता हूं, वेलोसिटी क्या होता है बच्चा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, बहुत बढ़िया, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, लीनियर एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, एंगुलर एक्सेलरेशन, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल है, समथिंग इनटू ओमेगा। अब ये क्या गड़बड़ हो गई, मास का एनालॉग है नहीं हमारे पास अभी तक। तो फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, इट इज इक्वल टू समथिंग इनटू अल्फा। तो यानी कि अभी हमारे पास एक चीज रहती है जिसका हमने रिप्रेजेंटेटिव रोटेशनल मोशन में लीनियर टू रोटेशनल नहीं ढूंढा है, दैट इज मास। तो मास का रिप्रेजेंटेटिव जो रोटेशनल मोशन में है वो क्या होता है, इनर्शिया। अब इनर्शिया और मास का रिलेशन क्या है, अगर हम नॉर्मल लीनियर मोशन में भी इनर्शिया को समझे, तो इनर्शिया क्या था, इनर्शिया क्या था बच्चा, इनर्शिया इज द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रेजिस्ट द सर्टेन चेंज, है ना, इट रेजिस्ट द चेंज इन इट स्टेट ऑफ मोशन, दैट इज इनर्शिया। अदरवाइज इनर्शिया का सिंपल सरल भाषा में हिंदी में अनुवाद करें, ट्रांसलेशन कर रहे हैं इंग्लिश में से हिंदी में सीधा, तो इनर्शिया का मतलब होता है किसी तरीके के बदलाव के अगेंस्ट रेजिस्ट करना, रोकना, है ना। सिंपल तरीके से बात यह हुई कि किसी परिवर्तन के खिलाफ वो चीज है वो चेंज नहीं होने दे रही है, दैट इज इनर्शिया। तो हम स्पेसिफिकली मोशन की रेफरेंस में इनर्शिया को यूज करते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ में, तो इसीलिए जो हमारा इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ये तीन टाइप के इनर्शिया थे। अब हमने कहा था इनर्शिया किसका ज्यादा है, यहां पे एक 50 केजी का पत्थर रखा है और एक 5 केजी का पत्थर रखा है, मेरे लिए दोनों में से मूव करना किसके केस में ज्यादा मुश्किल होगा, 50 केजी वाले को, क्योंकि 50 केजी का वेट ज्यादा है, मास ज्यादा है। अब जिसका मास ज्यादा है उतना ही वो अपने रेस्ट की पोजीशन को रेजिस्ट करने में ज्यादा मतलब कैपेबल है, मतलब उसका इनर्शिया ज्यादा है, तो जो ज्यादा भारी है उसका इनर्शिया ज्यादा है। तो मतलब एक तरह से इनर्शिया सीधा सीधा मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि नहीं। तो यहां पर रोटेशनल मोशन में कुछ ऐसी चीज जो कि एक तरह से इनर्शिया देगी या मास का रेप्लिका बनेगी, उसको हम क्या कहते हैं बच्चा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, उसको हम क्या कहते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। बेसिकली मास ऑफ अ बॉडी क्या होता है, इट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी इन लीनियर मोशन। मास क्या होता है, इट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया इन लीनियर मोशन।
लेकिन रोटेशनल मोशन में या रोटेशनल इनर्शिया को हम क्या कहेंगे, यहां जहां हमारे पास मास होता है हमारे पास रोटेशन में होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है? तो अ क्वांटिटी दैट मेजर्स द इनर्शिया ऑफ रोटेशन, रोटेशनल मोशन ऑफ अ बॉडी इज रोटेशनल इनर्शिया और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। अ क्वांटिटी दैट मेजर्स द इनर्शिया ऑफ रोटेशनल मोशन, अ बॉडी दैट मेजर्स द इनर्शिया ऑफ रोटेशनल मोशन। अब एक ऑब्जेक्ट है रोटेट कर रहा है, बहुत ज्यादा भारी है, मान लेते हैं बहुत ज्यादा भारी है, और मैं एक एग्जाम्पल वही बॉल वाला एग्जाम्पल उठाता हूँ। अभी रुको, अपना यूनिवर्सल है हमारे पास हर एग्जाम्पल में, हमारे हर जगह हर चीज में काम आ जाती है ये। तो ये देखो, अब ये बॉल है, एक बात समझो बच्चे, मान लो ये हल्की बॉल है, छोटे वाली जो है हल्की बॉल है, तो मैं अब अगर इसे मैं गोल घुमा रहा हूँ तो इसको रोकना कितना मुश्किल है, थोड़ा बहुत अगर मैं हाथ करूंगा इसके आगे तो मेरे हाथ पे लगेगा ये थोड़ा बहुत। और अगर मैं अब बड़े वाली बॉल जो इससे थोड़ी सी ज्यादा हैवी है अगर मैं इसे घुमा रहा हूं तो इसे रोकना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब मैं इसका एक और तुम्हें चीज दिखाता हूं, देखो बच्चे मैं इसी को घुमा रहा हूं, घुमा रहा हूं और मैं इसको घुमाते घुमाते इस टेबल पे टक्कर लगाऊंगा, ध्यान से देखना कितना जोर से आया, थोड़ा बहुत। लेकिन अगर मैं इसको रेडियस बढ़ा के अब कराऊंगा तो ज्यादा जोर से आवाज आई, ज्यादा जोर से रीबाउंस हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, क्या मास में चेंज आया, क्या मैंने घुमाया तेज, कुछ नहीं किया, सेम एंगुलर वेलोसिटी के साथ घूम रहा था, सेम मास था, लेकिन जब मैंने इसका रेडियस बढ़ा दिया एक्सिस ऑफ रोटेशन से तो इसका इनर्शिया फैक्टर खुद बढ़ गया था कि नहीं, क्योंकि जितना जोर से जाके ये टेबल पे लगा था उतना उसका मतलब उतना ज्यादा इनर्शिया पोजेस कर रहा था उस वक्त। तो रोटेशनल इनर्शिया जो ये पोजेस कर रहा था उस रोटेशनल इनर्शिया को हम क्या कहते हैं बच्चा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ये क्लियर है कंसेप्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, समझ में आया? तो कंसेप्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के अकॉर्डिंगली जैसे लीनियर मोशन के अंदर हमारे पास क्या था, लीनियर इनर्शिया जो कि सो कॉल्ड मास हमें बना के दे रहा था कि रेजिस्ट कर रहा था किसी तरह के मोशन को, ऐसे ही रोटेशनल के केस में रोटेशनल इनर्शिया जो होता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है? किसी बच्चे को इसमें परेशानी तो नहीं बच्चे? ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, अ क्वांटिटी दैट मेजर्स द इनर्शिया ऑफ रोटेशनल मोशन, अ क्वांटिटी दैट मेजर्स द, अ क्वांटिटी दैट मेजर्स द इनर्शिया ऑफ रोटेशनल मोशन ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी। अब एक टर्म आती है बच्चे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। देखो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन तो कुछ अलग चीज नहीं है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन भी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ अ बॉडी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ऑन एन अकाउंट ऑफ इट्स रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। सीधा साधा काइनेटिक एनर्जी क्या आती थी, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। तो लीनियर काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में था। अब मैं काइनेटिक एनर्जी को किसकी टर्म्स में चाहता हूं, रोटेशनल मोशन के लिए। तो किसी रोटेशनल मोशन के कारण जो वह एनर्जी पोजेस्ट करेगा ऑब्जेक्ट उसको हम क्या कहेंगे, काइनेटिक रोटेशनल एनर्जी, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ अ बॉडी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स रोटेशन अबाउट द गिवन एक्सिस। सीधा सा एक ऑब्जेक्ट है किसी फिक्स एक्सिस के अलोंग अगर घूम रहा है तो उस रोटेशन के कारण जो एनर्जी पोजेस्ट करेगा दैट इज काइनेटिक एनर्जी। सॉर्टेड है? अब होता क्या है, देखो मान लेते हैं यहां पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन निकालने के लिए मान लेते हैं लेट द बॉडी कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास m1 m2 m3 अप टू सो ऑन mn नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। अब हर पार्टिकल, अब इसमें एक चीज समझना बच्चों, मान लेते हैं ये xy प्लेन हमारे पास आ गया, कोई एक ऑब्जेक्ट है ऐसा, कोई भी रिजिड बॉडी है, ठीक है, ये एक रिजिड बॉडी है ऐसी, कोई वेल डिफाइंड शेप नहीं है, और ये जो है ठीक है ये हम मान लेते हैं ऐसा, तो ठीक है ये क्या हो रहा है एक्सेस इसके आर पार निकल के गया, तो ये जेड एक्सेस के अलोंग रोटेट कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में जेड एक्सेस के अलोंग रोटेट कर रहा है। अब यहां पे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं अलग अलग जगह पे m1 m2 m3 अप टू सो ऑन mn पार्टिकल्स है, तो हर किसी का
एक पॉइंट से अगर मैं पोजीशन वेक्टर निकालता हूँ आर वन आर टू आर थ्री एंड सो ऑन अप टू सो ऑन आर एन, किसी को परेशानी बचा इसमें? ठीक है, मैंने क्या कहा, अलग अलग मासेस थे और उन सब मासेस के अपना अपना इंडिविजुअल पोजीशन वेक्टर्स थे। अब जब वो उनके इंडिविजुअल, ठीक है, तो हमारे पास अब हर किसी के इंडिविजुअल मासेस थे और इंडिविजुअल पोजीशन वेक्टर्स थे। अब अगर इंडिविजुअल पोजीशन वेक्टर्स थे लेकिन पूरी ऑब्जेक्ट एक फिक्स एंगुलर वेलोसिटी के साथ घूम रही है, तो क्या इसके हर पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगी या डिफरेंट रहेगी? डिफरेंट रहेगी। अगर यहां पे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और ये पूरी ऑब्जेक्ट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ घूम रही है, तो क्या हर पार्टिकल जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर है या नजदीक है उन सबकी एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगी या डिफरेंट रहेगी? सेम कौन कौन कह रहा है बच्चा? सेम। डिफरेंट कौन कौन कह रहा है? तीन डिफरेंट, बाकियों को कोई आइडिया नहीं? अगर एक ऑब्जेक्ट, पूरा ऑब्जेक्ट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ घूम रहा है, तो इसके जो इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, क्या वो सेम ओमेगा के साथ घूमेंगे या अलग अलग ओमेगा के साथ घूमेंगे? सेम रहेंगे। क्यों सेम रहेंगे भाई? अब समझो जरा, मैं एक रिजिड बॉडी, ये मेरे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहां कहां पे, यहां लगा लो, एक हाथ हो गया, एक मेरा एल्बो हो गया, एक शोल्डर हो गया, ठीक है, और इधर से सेम एक शोल्डर हो गया, एल्बो हो गया और हाथ हो गया। अगर मैं गोल घूम रहा हूं, अगर मैं गोल घूमता हूं, मान लो तो शक्तिमान तो ऐसे घूमता था, तो शक्तिमान नहीं, ये तो पता नहीं क्या, ठीक है, सुनो अभी, तो मैं जब ऐसे गोल घूमूंगा बच्चे, तो क्या हो रहा है, मेरी जितना एंगल इस शोल्डर ने कवर किया उतना ही एंगल इसने एल्बो ने कवर किया, उतना ही एंगल हाथ ने कवर किया। ध्यान से देखो, एंगल में चेंज नहीं आ रहा है। अगर इसको हमने जब टॉपिक शुरू किया था, मैंने तब भी बताया था कि अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूमेगा, ये देखो, चाहे वो यहां है, यहां है, यहां है, यहां, जब वो घूम के यहां पहुंचेंगे तो हर कोई अपने अपने हिस्से का एंगल सेम करेगा कि नहीं? हर किसी की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम आई कि नहीं? समझ में आई? एंगल जितना एंगल यहां था सेम उतना ही एंगल एंड तक आते आते हुए, जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम है तो सबकी एंगुलर वेलोसिटी भी सेम रहेगी। अगर एक पूरी रिजिड बॉडी यूनिफॉर्मली एक एंगुलर वेलोसिटी के साथ घूम रही है, तो उसका हर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल भी सेम एंगुलर वेलोसिटी के साथ घूम रहा होगा। ठीक है, फर्क किस चीज का आया? फर्क आया डायरेक्शंस का। लीनियर वेलोसिटी के हिसाब से ये पार्टिकल अपना अलग डायरेक्शन में आएगा, ये अलग डायरेक्शन में जा रहा है, ये उस वक्त इस डायरेक्शन में है, ये वाला इस डायरेक्शन में, ये वाला इस डायरेक्शन में, है ना, कुछ इस तरीके से बनेगा। लीनियर डायरेक्शंस अलग अलग हैं, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी, मतलब लीनियर वेलोसिटी अलग हो सकती है, एंगुलर वेलोसिटी सबकी सेम है। डन ये वाली बात। तो अगर ऐसा है तो देखो बच्चे, हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है एक सिंपल एक पार्टिकल का, तो काइनेटिक एनर्जी का जो एक पहले पार्टिकल का है, दैट इज हाफ एम वन वी वन का स्क्वायर, हुआ कि नहीं? हो गया, विच इज इक्वल टू हाफ एम वन वी वन, को मैं क्या लिख सकता हूं, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। आपने को पता है बच्चा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ए इज इक्वल टू आर एल्फा, था कि नहीं है, है ना, इस तरीके से। तो मैं यहां पे वी की जगह आर ओमेगा लिख लूं तो कोई परेशानी किसी को, और उसका स्क्वायर लिख लेता हूं। अब आर की जगह आर वन लिखना पड़ेगा क्योंकि पोजीशन वेक्टर डिफरेंट थे हर किसी के, किसी को दिक्कत इसमें? तो काइनेटिक एनर्जी आ गई है हाफ एम वन आर वन का स्क्वायर इंटू ओमेगा का स्क्वायर। ये किसकी काइनेटिक एनर्जी आ गई? एक पार्टिकल की। तो बहुत सारे पार्टिकल्स थे तो सबकी काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी? सबका सम कर देते हैं, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिजिड बॉडी, वो हर किसी इंडिविजुअल पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जीज का एल्जेब्रिक सम होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होना चाहिए? हर किसी इंडिविजुअल पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी का सम। क्लियर है? मैं सपोर्ट चाहिए था, चलो ठीक है। Thank you.
बस एक सेकंड, देखो जरा। तो काइनेटिक एनर्जीज क्या आएंगी बच्चा, ध्यान से देखो। के ई टू क्या निकलेगी, हाफ एम टू आर टू का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। थर्ड के लिए क्या निकलेगी, हाफ एम थ्री आर थ्री का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अप टू सो ऑन निकलेगी कि नहीं, अप टू सो ऑन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन एच पार्टिकल की निकलेगी, हाफ एम एन आर एन का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर। डन है। अब मुझे क्या करना है, टोटल काइनेटिक एनर्जी के लिए इन सबका सम कर देना है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी के लिए मैं जब इनका सबका सम करूंगा, हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ गया कि नहीं, हाफ ओमेगा स्क्वायर तो कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, एम वन आर वन का स्क्वायर, एम टू आर टू का स्क्वायर, प्लस अप टू सो ऑन एम एन आर एन का स्क्वायर। बना कि नहीं, किसी को परेशानी, बिल्कुल ठीक है। अब ये जो हमारे पास आ गया बच्चे, ये मेरे पास क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी निकल गया। अब ना देखो, मैं इसको एक काम करता हूं, मैं इसको और क्या लिख सकता हूं, हाफ ओमेगा स्क्वायर सिग्मा ऑफ एम आई आर आई का स्क्वायर, वेयर आई गोज टू वन टू एन के फॉर्म में लिख सकता हूं कि नहीं, बिल्कुल ठीक है। सबमिशन था, सिग्मा के टर्म्स में लिख दिया मैंने। अब जैसे मैं यहां कंपेयर करा रहा था, ऊपर लीनियर और रोटेशनल को कंपेयर करा रहा था बच्चे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होना था, हाफ एम वी स्क्वायर। ये किसके केस में, जब लीनियर मोशन था। एंगुलर के केस में हाफ समथिंग इंटू ओमेगा स्क्वायर होना चाहिए था। अब वो समथिंग क्या है, जो मास का रेप्लिका होना चाहिए था। देखो हाफ ओमेगा स्क्वायर तो आ गया, और समथिंग की जगह क्या आ गया, एम आई आर आई का स्क्वायर, सिग्मा ऑफ एम आई आर आई का स्क्वायर। तो ये जो निकला है, ये क्या होगा, जो मास का रिप्रेजेंटेटिव होगा, दैट इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एम ओ आई, मैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को इससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, विच इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ आई गोज टू वन टू एन एम आई आर आई का स्क्वायर। किसी को परेशानी, दिस इज द वैल्यू फॉर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एग्जैक्टली जैसे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन था, अगर मैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को मान लो आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं फिलहाल, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आई से, तो हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन, टॉर्क का फॉर्मूला क्या आएगा बच्चे, आई अल्फा, मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा। किसी को परेशानी, ये बात समझ में आई है। तो ये हमारे पास आ गया बच्चा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट। डन। या मैं इसको सीधा सीधा अब काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकता हूं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। डन है। चलो ये हमारे पास आ गया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आता है बच्चा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस एज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सिंपल, यही जो एमआर स्क्वायर को हमने बस इंग्लिश में लिख के दे दिया, दैट इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द, हाँ जी आनी ही चाहिए, आनी ही चाहिए, नहीं आएगी तो गड़बड़ है, ठीक है। चलो अच्छा देखो बच्चा, तो हमारे पास बच्चा ध्यान दो, चलो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को हम डिफाइन कैसे कर रहे हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मे बी डिफाइंड एज द अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल मासेस ऑफ द बॉडीज मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर ऑफ देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यही है ना, एम आर स्क्वायर, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन का स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया। डन है ये। चलो भाई, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अगर मैं यूनिट निकालने को कहूं तो यूनिट क्या निकलेगी, डायमेंशन निकालो बच्चा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, एम आर स्क्वायर, पहले यूनिट निकालो, ये क्या आएगा एम ग्राम, ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ये के जी मीटर स्क्वायर आ जाएगा, है ना। डायमेंशन निकालोगे तो क्या निकलेगा, एम एल टू टी जीरो, सॉर्टेड है बच्चा ये, ठीक है ना। चलो हो गया, रुक एक मिनट, हाँ एक ना एक कर दो बंद, हो चल कर दो, एक केस समझा रहा हूं बस, कर दिया बंद, कर दो।